चाय बना रही हूँ। सुनो, मुझे कोई मिलने आया तो कहना निकल गया। आज कोई मिलने आएंगे? हाँ, उन्हें अपना काम निकालने से मतलब है। आप काम क्या करते हैं? तुम्हें नहीं मालूम? ठीक से नहीं मालूम। ऐसे ही शादी कर ली? शादी मान दीदी ने तय की थी। मान दीदी कहेगी दरिया में कूदो तो कूदोगी? क्यों? हाँ, कूद तो दिया। क्या कहा? चाय चीनी जरा कम है। बहू, माँ जरा चीनी ज्यादा लेती है। याद रखना, निकल गया। सुरेश बाबू हैं घर में? वो तो सुबह सुबह निकल गए। निकल भी गए? सोचा था आज तो घर पे मिलेंगे। अरे, कब आएंगे? देर से। देर से। Take a Sunday, I love you, भाग्य हसे तू, तुझे विस्की पिलाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, आना मेरी जान। दोस्तों, जिस फिल्म के गीत फिल्म थिएटर में लगने से पहले बच्चे बच्चे की जुबान पर हो, वो फिल्म कामयाब होगी। और इस कामयाबी का सेहरा हमारे जाने माने संगीत के जादूगर इंद्रनील यादव और हमारी सुरों की रानी मानसी वृंदावन को जाता है। दोस्तों, आप अपना कार्ड तो दिखाइए। मतलब क्या है तुम्हारा? घुसे चले जा रहे हो। आप कौन है? तुम मुझसे कार्ड मांगते हो? मुझसे? जानते नहीं मैं कौन हूँ? साहब, ये फंक्शन बाय इन्विटेशन है। आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, मत लगाना मुझे। अंदर नहीं जाने दूंगा इसको। साला दो टके का आदमी पता नहीं कहाँ से लेकर आ गया इसको। आप बता दो तुम। एक मिनट, एक मिनट, आइए साहब, आइए आइए। पता चला? लेकिन इस गाने के पीछे कितनी मेहनत होती है ये आपको मालूम नहीं? गीतकार जो गाना लिखता है वो एक कल्पना होती है, लेकिन उस कल्पना में जान डाल देता है संगीतकार। इस फिल्म के गाने आप तक पहुंच गए। हमें पहली रो में क्यों नहीं बिठाया? इसका पूरा क्रेडिट हमारे इंद्रनील और मानसी जी को जाता है। पियो। नमस्ते, मैं साप्ताहिक चंद्रपुरी का पत्रकार हूँ। आप मानसी जी की बहन है ना? जी। और मैं बहनोई। आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हम मानसी जी पर आर्टिकल छाप रहे हैं। हाँ, पूछिए पूछिए। आपको अपनी बहन पर नाज तो होगा? जी हाँ। क्या मानसी और इंद्रनील एक दूसरे के पूरक हैं? कलाकार के रूप में दोनों एक दूसरे की प्रतिभा निखारते हैं। और प्रेमियों के रूप में? जी। सुना है दोनों साथ रह रहे हैं। क्या दोनों शादी करने वाले हैं? या शायद बंसी? बंसी रुको तो। सुनो बंसी, मानसी से मेरे प्रस्ताव के बारे में अब भी पूछ डालो, ये अच्छा मौका है। आप समझा कीजिए, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। मुझे आपका प्रस्ताव जरा भी मंजूर नहीं है। देखो, अड़ियल मत बनो। मैं कैसे? आप क्या खुसुर पुसुर हो रही है मियां बीवी में? कुछ नहीं मान दीदी। नहीं कैसे? ये आपसे कुछ पूछना चाहती थी। मुझसे? पूछो पूछो पूछो। क्या बात है बंसी? शर्मा रही है। शर्मा रही है मुझसे? क्या बात कर रहे हैं? चलिए मैं ही पूछ डालता हूँ। वो क्या है कि देखिए ना, आपको सेक्रेटरी या एजेंट की जरूरत तो होगी, वो मेरा स्पेशलाइजेशन का फील्ड है। और फिर घर का सेक्रेटरी है तो बात ही क्या है। सच पूछो तो मैंने सेक्रेटरी के बारे में सोचा ही नहीं। और मेरी राय में घर का सेक्रेटरी कतई नहीं होना चाहिए। राम राम सुरेश बाबू। अच्छा हुआ आज आपके दर्शन हो ही गए। मैं अभी बिजी हूं। राम राम। देखते नहीं मिसेज साथ में है? जी हाँ, भाभी जी से तो बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन आप तो कभी घर पे मिलते ही नहीं। तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूं। जाओ। आप कहां चले? आपसे जरा बात करनी है। आइए जनाब, आज आप आए हैं। पैसे नहीं दे रहे आप? मारो एक शर्मा दे दो। अरे
याद रखना, आएंगे फिर से। हे भगवान, नहीं, ये सब नाटक रहने दो। ऊपर से क्या देख रही थी? हंस रही थी कि नहीं? बोल, मजा आ रहा था कि नहीं? बोल। जब से इस घर में आई है सब कुछ मिटा देने पे तुली है कुलच्छनी, कभी नहीं। अरे रे, ये मुंह पर क्या निशान लेके आई है? हाँ कुछ नहीं शिव, अचानक उठी तो टेबल का कोना लग गया। दो पैरों वाला टेबल होगा? अरे ये निशान मैं खूब पहचानती हूँ, मेरा मर्द कम नहीं पीटता था मुझे, मर गया मुआ। मान दीदी कहाँ है? कहीं पास ही गई है, आती होगी, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ अभी। मानसी ने तो कभी नहीं बताया कि आप इतना अच्छा गाती हैं। लेकिन मैंने तो बताया था ना कि ये मानसी से कम नहीं गाती। मानसी है कहाँ? यहाँ। इन लोगों ने आपकी खातिर तो ठीक से की ना? इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? बैंक। चौकीदार से मिलने? बैंक 9:30 बजे खुलता है। हर बैंक के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? तुम रिहर्सल पे नहीं आई और कल रिकॉर्डिंग है। मेरा गला खराब है ना, इसलिए स्ट्रेन नहीं देना चाहती थी। शेओ, चाय मैं भी पीऊंगी, एक दो मिनट में आई। हाँ मैं देखती हूँ। मुझे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती। नोट हिंदी में है। हमारे पहले पहले गीत की खुशबू इन फूलों की तरह दसों दिशाओं में महकती रहे। कीर्ति कुमार जसपाल। वैसे इन फूलों में कोई खुशबू नहीं है, शायद बैंक मैनेजर ने भेजे हो। और हाँ, ये तुम्हारी अपॉइंटमेंट डायरी बैंक में ही भूल आई, तो तुम के लिए गा रही हो? इंदर, मेरी डायरी खोलने का आपको भी हक नहीं है। मैंने तुम्हारी डायरी नहीं खोली, खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन फूलों ने चुगली कर दी। देखो इंदर, हम किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, ये वादा तो नहीं किया था। सही बात है, हमने कोई लीगल अग्रीमेंट नहीं बनाया था, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स की भी बात होती है। तुम मुझसे पहले पूछ लेती या कम से कम बता तो देती, मैं तुम्हें मना नहीं करता। अब प्रोफेशनल एटिकेट और पर्सनल कमिटमेंट को ठेस नहीं पहुंचती। खैर, तुम इस गेम में नहीं हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। पता है इंदर, मैं केके से क्यों मिली? बंसी के लिए। आपको नहीं मालूम, लेकिन बंसी काफी अच्छा गाती है, जरा सी ग्रूमिंग की जरूरत है बस। और फिर वो बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि वो गाना चाहती है। केके बंसी को ब्रेक देने को राजी हो गए हैं, बशर्ते कि मैं उसके साथ गाऊं, हम दोनों एक साथ गाएंगे। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि वो गाती है? क्या मैं उसे गाना नहीं देता? यही तो मैं नहीं चाहती थी इंदर। अब देखो ना, आपने मुझे ब्रेक दिया, आगे लाए, अब मैं इसका नाजायज फायदा थोड़ी उठा सकती हूँ। इंदर, अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करना
मैंने ठीक नहीं समझा। महान त्याग भरी दास्तान है तुम्हारी जीवन कहानी। अच्छा मैं चलूं। उन फूलों को पानी में रख देना, सूख जाएंगे। लगता है नाराज होके चले गए। उन्हें मनाना मुझे आता है। शेओ, हाँ, आज प्रॉन्स ले आना ना। अच्छा, तुम अपने मशहूर प्रॉन पकोड़े बनाओगी ना? पहले वो ड्यूट वाली बात बताओ। अच्छा, ब्लैकमेल? अरे वो बात तो बिल्कुल सच है। हम दोनों एक साथ गाएंगे के जसपाल के लिए। मानसी और बंसी वृंदावन एक साथ बचपन की तरह। ओ मान दीदी।